दोस्तों बात करते हैं इस्लाम मकशेफ के बारे में और उनकी एक, एक इम्प्रेसिव विन जो कि हुई अगेंस्ट एन होकर ऑन यू एस सी टू सिक्सटी सेवन आर यू सरप्राइज जब फाइट जाती है ग्राउंड के ऊपर इमिडिएटली क्या आप सरप्राइज हैं जो कि हुआ आई मीन आई एम नॉट सरप्राइज जैसे ही फाइट गई ग्राउंड के ऊपर आई न्यू क्या होने वाला है और आई थिंक बहुत सारे लोग जो आप जो जानते हैं कि क्या होने वाला था आप लोग जानते थे क्या होने वाला था और वही हुआ दे इज़ नो सरप्राइज दे इज़ नो डिफरेंट प्लान उनके कोच्स ने कहा था ये हमारा प्लान है वी विल नॉट इंगेज हम डैन हुकर से नहीं करेंगे फाइट ऑन ऑन द फीट ये फाइट अकाउंट पर लेके जाएंगे और हम फिनिश करेंगे और वही हुआ जैसे फ्राउट जाती है अकाउंट के ऊपर कुछ ही सेकेंड्स के अंदर वो सबमिट करते हैं डैन हुकर कोट्स इट इट्स ए सिंपल स्टोरी ना उसके बाद ऑब्वियसली वो कहते हैं कि जूनोम you know, ये जो लोग फाइट कर रहे हैं Uh, ये ऑलरेडी हार चुके हैं बेल्ट के लिए एक बार यानी कि यू नो ओबियसली वो बात कर रहे थे गेची और uh, जस्टिन uh, माइक चैनल के बारे में बिकॉज उनसे पूछा गया कि वाट डू यू थिंक हमारे पास एक बहुत बड़ी फाइट होने वाली है नेक्स्ट वीक ऑन टू सिक्सटी एट वाट यू वॉन्ट ऐसे क्या ये दोनों लोग हार चुके हैं ऑलरेडी आई हैव टू गो एंड फाइट फॉर द बेल्ट चाहे कोई भी हो एलोवेरा हो या डस्टिन पोरिए हो एंड जब ये सवाल पूछा गया डि डेना वाइट से सो so कि कुछ भी पॉसिबल है हु नोज जो फ़ाइट हो रही है बेल्ट के लिए वो होगी इस साल के एंड में अभी टाइम बाकी है एंड डिपेंडिंग ऑन द इंजरीज यू नो मनी इश्यूज यू नो दोस्तों क्या कहानी है एनी इज़ पॉसिबल बट आई ट्रूली फील की या तो उनकी नेक्स्ट फाइट होगी बेल्ट के लिए या मे वन मोर फाइट मे बी अगेंस्ट बेनील देरियूश मे बी अगेंस्ट द लूज़र ऑफ चैंडलर एंड एंडेची पॉसिबल कोई भी हो बट ये yes, एक फाइट एट मैक्स और उसके बाद वो खेलेंगे बेल्ट के लिए और जो पूरी फाइट थी जब फाइट गई ग्राउंड के ऊपर मैं उठ गया अपनी सीट से मैंने उठा पानी पिया यू नो टाइम चेक किया वापस आया बैठा फाइट ओवर थी क्योंकि आई न्यू कि क्या होने वाला है आई वॉज नॉट सरप्राइज डैन हुकर, फर्स्ट ऑफ ऑल यस उन्होंने चांस लिया इतने शॉर्ट टाइम पर फाइट करने के लिए बट जिस तरीके से फाइट कर रहे हैं आजकल इस्लाम आका चेफ लुक्स लाइक कि इट इसलमोस्ट बोरिंग और ये मैं मैं उनकी बड़ाई कर रहा हूँ बिकॉज इन हबीब केस ऑब्वियसली ये बात साफ थी कि अगर फाइट जाती है ग्राउंड के ऊपर बहुत मुश्किल होगा उससे बाहर निकलना और फाइट ग्राउंड पर ही रहेगी और वही हो और हो रहा था और बिकॉज़ इस्लाम आगे भी उसी तरीके से फ़ाइट कर रहे हैं मे बी इवन बेटर इन समिगार्ड्स आई कैन फेल्ट कि बहुत मुश्किल है मुझे समझाना कि एज अ फ़ाइट फैन एज अ फ़ाइट फैन यू यू वांट वेरिएबल कुछ चांसेस कि हे नॉट श्योर क्या होगा आई एम वेरी एक्साइटेड एम वेरी एंशियस क्या होगा आई एम वेरी क्यूरियस और इस केस में वी नो क्या होगा नाउ चार सोले वेरा मे बी बिकॉज ही इज़ वेरी गुड ऑन ग्राउंड उनके पास बहुत सारे समिशन्स हैं तो मे बी दैट कुड बी ए बिग चैलेंज फॉर इस्लाम बात डस्ट पोरिए आई कैन ओ फील कि जब जो हबीब के साथ जो फाइट थी आई थिंक सिंदर फाइट भी होगी विद इस्लाम का चिफफ आई कैन सी दैट आई मीन आप भी वो बात आप देख सकते हैं इज़ नॉट लैक सिर्फ वो मैं वो चीज़ देख रहा हूँ सो अंटर एल्स कोई उन्हें एक बहुत ही पावरफुल ग्रैपलर नहीं मिले दे इज नो पॉइंट दे इज़ नो पॉइंट ही सो गुड एंड टाइम बिल्कुल उन्हें वेस्ट नहीं किया फाइट स्टार्ट होती है ऑन ग्राउंड ओवर इस टाइम पर लेटवी डिविजन में आई थिंक ये बात साफ़ है कि ही इज एमरजिंग एज एज ए रियल कंटेंडर एंड अगर कुछ होता है दाएँ बाएँ ओलोवेरा डस्टिन यू नो इंजरीज अदर इशूज़ कोविड आई थिंक यू सी एटलीस्ट सोचेगी इनके बारे में बिकॉज आई वी सरप्राइज कि अगर वो फाइट करते हैं बेल्ट क्लियर नेक्स्ट दोस्तों अब जो फोटो देख रहे हैं हमारे पास हबीब है हमारे पास ऑब्वियसली जेवियर मेंडिस हैं और ऑब्वियसली इस्लामा कचैब हैं जिस तरीके से अब ये अब चल रही है डिवीजन अंटर कॉर्नर कम्स आई थिंक ये होगी कहानी ओलोवेरा वर्सेस टोरी जो कि होने वाली है साल के एंड में मे बी विनर ऑफ गेची एंड चैनल फाइट करेगा उनसे अगले साल के पहले हाफ़ में और मे भी शायद जो होगा लूजर उनसे फ़ाइट करेंगे शायद मकाचैफ एंड देन मकाचैफेफ विल बी नेक्स्ट उनको हराने के बाद फॉर द बेल्ट अंटर कॉर्नर कम्स इन इक्वेशन तब शायद कुछ अलग हो सकता है बट आई थिंक ये होगी सीक्वेंस फाइट्स का एंड बेनिल देरियुश ऑब्वियसली ही इज देयर बट लाइक आई सेड बेनिल देरियुश गेची इस्लाम माकाचैफ तीनों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं अली एंड वो चाहेंगे शायद कि वो आपस में फ़ाइट कम से कम करें तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि शायद पॉसिबल है कि वो हालाँकि वी वॉन्ट टू सी फाइट इस्लामे वर्स इज़ देरी यूश वाई नॉट बट बिकॉज अली इज़ देयर आई डाउट कि वो फाइट होगी आई इवन डाउट कि अगर वो फ़ाइट हार जाते हैं मान लीजिए यहाँ पर गेची इवन गेची वर्सेज़ इस्लाम विल नॉट हैपन मोस्ट प्रोबेबली जब तक जब तक चलती है अली uh, की बट दोस्तों दिस इज़ इंटरेस्टिंग एंड आई थिंक नेक्स्ट ईयर हमारे पास डेफिनेटली फाइट होगी बेल्ट के लिए जिसमें एक तरफ होंगे इस्लामा का शेप नो डाउट अबाउट इट दोस्तों ये था हमारा वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम